हरियाणा के रण में चुनावी परीक्षा से पहले सियासी उठापटक शुरू है। एक तरफ जहां इंडियन नेशनल लोकदल कुंभे में हंगामा मचा है, तो इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने बयान जारी कर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। दरअसल सूबे में बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह ने कांग्रेस समेत बाकी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा रखी है। साथ ही कांग्रेस हाईकमान में भी अब तक कुछ ठीक ठाक नहीं हो पाया, लिहाजा पार्टी के पूर्व सांसद चौरणजीत सिंह ने बड़ा बयान जारी करते हुए कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम जारी कर दिया। रणजीत सिंह का कहना है कि अगर कांग्रेस ने प्रदेश में परिवर्तन न किया तो आने वाले 10 से 15 दिन में गठबंधन होगा। मेरा एक प्रयास होगा कि चारों को इकट्ठा करें, और जो आंध्रा में जो 6 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, अपनी पार्टी है, कोई भी खड़ा करके कोशिश करो कि हम सरकार से लड़े। चारों का समर्थन होता है तो उम्मीदवार कौन रहेगा सीएम पद के लिए? देखिए, ये आपस में बैठ के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये नंबर 2 रही है। एक नंबर कैंडिडेट चेहरा कांग्रेस का रहेगा चीफ मिनिस्टर के लिए, बाकी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दरअसल मोदी शाह की रणनीति को देखते हुए चौधरी रणजीत सिंह ने महागठबंधन का प्लान तैयार किया है, जिसमें उनके साथ जेजेपी, इनेलो, बीएसपी और हुड्डा कांग्रेस का गठबंधन होगा। हालांकि सवाल ये है कि रणजीत सिंह के बयान का कांग्रेस हाईकमान पर क्या असर होगा। साथ ही अगर ऐसा होता है तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की सियासी लड़ाई में बीजेपी कौन सा तोड़ निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।